हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। हेलो एवरीवन। सो गर्ल्स, आज आप लोग बड़ी लड़कियां ही क्यों यहाँ पे आई है? क्या करना है? ओके, सो आज आप लोग करने वाले हैं क्राफ्टिंग क्राफ्ट। तो छोटे बच्चे हैं वो आज नहीं है, लेकिन बड़ी लड़कियों को जो है आज थोड़ा अलग से क्राफ्ट करवाया जा रहा है। तो अभी चलिए देखते हैं, मेरे पास यहाँ पे कुछ है टेबल पे, तो क्या क्या क्राफ्ट के लिए है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये देखिए, ये मेरे हाथ में है, ये आपको पता है ना, ये हेयर में जो डालने वाला होता है वेणी, उसको बोलते हैं। तो गजरा इनको हिंदी में बोलते हैं, और गजरे को देखो, आपको लग रहा होगा कि ये किससे बनाया है, तो ये जो है पॉलीथीन बैग में से बनाया गया है। तो आप इनको अलग अलग कलर के साथ भी बना सकते हैं। यहाँ पे ये अभी ब्लैक एंड वाइट में है, और ये देखिए ये पिंक कलर में, जो आप देखते हैं ना फूलों वाला हार जो बनाते हैं, तो ये भी ना पॉलीथीन बैग से ही बनाया गया है। तो पिंक कलर का ये हार है। अभी ये देखिए, ये बड़ा ही अट्रैक्टिव है। तो अभी आप सोचो कि ये कैसे बना होगा। तो मैं आपको पहले ऑल ओवर लुक इसका दिखा देती हूँ। और ये चीज़ जो है, अभी मैं इसको छू रही हूँ, तो ये बना है न्यूज़पेपर से। देखिए ये पूरा का पूरा जो है न्यूज़पेपर से बनाया गया है। मैं सभी एंगल से आपको दिखा रही हूँ, तो बहुत ही शानदार दिख रहा है। और ये अगर देखने पर किसी को भी नहीं लगेगा कि इसमें जो है न्यूज़पेपर ऐड किया गया है, लेकिन ये पूरा जो है न्यूज़पेपर, देखिए यहाँ पे नीचे हमें नज़र आ रहा है जहाँ पे ये कलरिंग नहीं हुई है, तो ये चीज़ जो है वो न्यूज़पेपर से बनाई गई है। और गाइज ये देखिए, ये जो है बहुत ही प्यारी प्यारी बिल्लियाँ हैं दोनों का। यहाँ पे देखिए ये पूरा पैर है, दोनों का सेट बनाया गया है। तो इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर कलर के साथ इनको कलर किया गया है। अभी ये जो है कार्डबोर्ड में बनाया गया है, तो इसका मटेरियल देखिए आप, बहुत ही सॉफ्ट है। और इनको अगर बच्चे जो है बनाते हैं, तो उनको भी लगता है कि उन्होंने जो है कुछ क्रिएटिव अलग अलग सा बनाया है। तो देखिए आप, ये घर में भी रख सकते हैं, और डेकोरेशन के लिए भी रख सकते हैं, और एक्स्ट्रा कुछ एक्टिविटी जो है ये उनके लिए बन जाती है यहाँ पे। तो ये पूरा का पूरा जो है, देखिए मैं अभी आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ, इसमें कलरिंग किया गया है और कार्डबोर्ड पे इसको बनाया गया है। तो ये पूरा सेट हमारे सामने यहाँ पर है, दोनों जो है एक जैसे बनाए हैं यहाँ पे। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव है। सो गर्ल्स, आज आप क्राफ्ट करने वाले हो कुछ नया सा, आर यू एक्साइटेड? अच्छा, तो चलिए, हमने डांस तो पहले ही कर लिया सबने। जिनको डांट पड़नी थी उनको पड़ गई, जिन्होंने डांस नहीं किया, जिन्होंने किया उनको नहीं पड़ी, आप लोगों को नहीं पड़ी है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनको पड़ी है। तो चलिए अभी हम जानते हैं कि जानते हैं यहाँ पे कि कौन आया है आपको आज क्राफ्ट करवाने, उनको क्या क्या आता है, कितने सालों से वो कर रहे हैं। तो वो सब हम उनको ले आएंगे हमारे सामने और उनका इंट्रोडक्शन लेंगे, ठीक है? सो गाइज, यहाँ पे ये है नूतन खोरावा। नूतन, आप ये कितने सालों से कर रहे हो? 5 साल से कर रहे हैं। अच्छा, 5 सालों से आप ये क्राफ्ट और क्रिएटिविटी है। मैंने देखा है कि आप कोई एक चीज़ नहीं करवाते, आप बहुत सारी चीज़ें करवाते हैं। तो क्या क्या करवाते हैं आप, हमें नाम बताएंगे? वॉल पेंटिंग मैं करती हूँ, कैनवास पेंटिंग, स्केचिंग्स, ग्लास पेंटिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट। यस, तो आप क्लास भी कर ले रहे हो, घर पे ले रहे हो आप? यस। अच्छा, तो आप क्लास भी चला रहे हो, और बच्चों के लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो जाती है कि वो कुछ नया क्रिएटिव सीखे। तो हम देखेंगे कि आज भी आप बच्चों को कुछ सिखाने वाले हैं। तो अभी ये है नूतन खोरावा, और इनका नंबर जो है वो आपको नीचे मिल जाएगा, तो आप उनका कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपने बच्चों को जो है आप कुछ नया सिखाना चाहते हो, मैं तो यही बोल रही हूँ कि बच्चे नहीं, अगर बड़े भी कुछ सीखना चाहते हैं तो वो भी नूतन सिखाएंगे सबको। चलिए, तो अभी देखते हैं कि यहाँ पे ये जो है अभी क्या सिखाने वाले हैं।
तो यहाँ पे देखिए ये है क्राफ्ट पेपर्स। तो ये बहुत सारे क्राफ्ट पेपर्स है, देखिए यहाँ पे कलर कलर के क्राफ्ट पेपर हम देख सकते हैं। तो ये सारे पेपर्स जो है वो अभी बच्चों के लिए यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। बच्चे जो है वो उनसे यहाँ पे ये अलग जो डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेपर्स है उनमें से बनाएंगे फ्लावर्स। तो फिर हम देखेंगे कि ये फ्लावर्स जो है वो कैसे बनाते हैं, उनको आते हैं या नहीं आते हैं, और उनका फिनिशिंग कैसा है। तो आज तो मुझे पता है पहला दिन है, और स्पेशली मैंने नूतन को बुलाया है यहाँ पे कि आज बच्चों को कुछ नया करवाया जाए। तो चलिए देखते हैं कि फ्लावर जो है वो कैसे बनते हैं। सो गाइज यहाँ पे देखिए अभी बाहर ग्राउंड में हम आए हैं, तो यहाँ पे ना ये वाइट और येलो बॉल जो है यहाँ पे रखे हैं बड़े से बाउल में, और यहाँ पे जो है गाड़ी के टायर रख दिए गए हैं दो। तो अभी देखना ये है कि ये कौन सा गेम्स है। तो बड़े बच्चे जो है वो क्राफ्टिंग कर रहे हैं, और छोटे बच्चे जो है वो यहाँ पे ये गेम्स खेलेंगे। तो ये गेम्स जो है वो ऐसा है यहाँ पे कि या ये बाउल जो है बड़ा सा, उसमें जो बॉल्स रखे गए हैं, तो यहाँ से बच्चे को लेटा देना है, दोनों साइड में दो बच्चे लेटेंगे। तो देखना ये है कि यहाँ से उनको जो है रोल होकर जाना है यहाँ टायर तक, और बॉल जो है इसमें डालना है। तो चलिए अभी हम लाइव देख लेते हैं कि ये गेम्स जो है वो कैसे खेला जाएगा। तो अभी दो बच्चों को यहाँ पे बुलाएंगे, और वो दोनों आकर आपको दिखाएंगे कि ये गेम जो है वो कैसे खेलते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पे दो बच्चे आ रहे हैं, वैभवी और आरुषि। तो देखिए यहाँ पे ऐसे लेट गए हैं ये लोग, और इनको लेना है बॉल। तो चलिए अभी स्टार्ट कर दिया जाए, स्टार्ट। सो देखिए आप यहाँ पे ये कैसे करना है इनको। सो यहाँ पे बॉल जो है वो लेकर रोल होना है, और वापस जो है टायर रख दिए गए। हमने यहाँ पे वेस्ट में से बेस्ट यूज़ किया है कि इनको भी हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे देसी ढब से ही पूरा कैंप जो है वो किया गया है। तो देखिए यहाँ पे अभी देखना ये है कि लास्ट में ये देखना होगा कि किसके टायर के अंदर जो है ज़्यादा बॉल्स गए हैं। तो अभी इनका फिनिश हो जाएगा, फिर हम देखेंगे कि किसके टायर के अंदर ज़्यादा बॉल गए हैं। मैं सबका तो नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन ये एक टीम का मैं आपको दिखाऊँगी, और फिर हम देखेंगे कि इनमें विनर कौन हुआ है। तो देखिए यहाँ पे दोनों का फिनिश हो गया, और ये बाउल ख़त्म हो गया है। तो चलिए अभी यहाँ पे देखते हैं आरुषि का। तो मैम आप काउंट कीजिए कि आरुषि के बॉल कितने हैं। सो जय भी यहाँ पे हेल्प कर रहा है, 9 बॉल। तो आरुषि के 9 बॉल है। अभी यहाँ पे देखते हैं वैभवी के पास कितने बॉल है। 11। यस, आप दोनों साथ में खड़े हो जाओ। तो देखिए यहाँ पे जो है वैभवी, चलो वैभवी और आरुषि यहाँ पे। अभी यहाँ पे कौन विनर हुआ? यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो यहाँ पे वैभवी विनर हुई है। तो देखिए इसी तरह से अभी ये सारे बच्चे जो है, आज छोटे छोटे बच्चों का जो है वो गेम अलग है। तो अभी इन सब की बारी आएगी, और सब में से कोई ना कोई तो जीतेगा। क्या देख रहे हो? बादल में क्या है, बारिश आने वाली है? चलिए बारिश को भी देख लेंगे। क्यों बारिश नहीं आती? अभी रोज नहीं आती है बारिश निशान? अभी कौन पतंग उड़ा रहा है? मुझे ही नहीं पता। तुम्हें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। तुम्हें पता है? तो देखिए यहाँ पे जो है अभी बादल जो है वो थोड़े घने लग रहे हैं, तो बच्चों को लग रहा है कि बारिश आने वाली है ना। देखते हैं बारिश आएगी कि नहीं आएगी। सो चलिए यहाँ पे देखिए ये दूसरे बच्चों का गेम शुरू हो गया है, और वो लोग अभी खेल रहे हैं। सो गाइस यहाँ पे देखिए इनका जो है क्राफ्टिंग का काम भी यहाँ पे चल रहा है। ऑलमोस्ट जो है बच्चों ने थोड़ा थोड़ा कर लिया है। तो ये क्या किया है आपने? राउंड, इसको इन्होंने कटिंग किया है राउंड शेप में। अभी यहाँ पे भी राउंड शेप है। तो सबने जो है राउंड, ओवल, वैसे अलग अलग शेप में जो है यहाँ पे कटिंग हो रहा है। देखिए यहाँ पे उनको शेप देकर ड्रॉ भी करवाया जा रहा है, तो बच्चे वो भी कर रहे हैं।
और अलग अलग कलर के साथ जो है इनको दिया गया है। यहाँ पे देखिए इन्होंने कटिंग एक साथ, यस हाँ, तो बहुत सारे कटिंग जो है यहाँ पे हो गए हैं। अभी इनका जो है आगे का काम भी हम देख लेंगे कि या इनमें से ये क्या बनाते हैं। सो गाइज, यहाँ पे अभी क्राफ्टिंग जो है वो चल रही है, लेकिन आज हम थोड़ा लेट हो गए हैं, तो इसका जो है बाकी का जो है सब हम कल बनाएंगे। बच्चे जल्दी आ जाएंगे तो पहले से यहीं शुरू कर देंगे। तो आज आप यहीं तक आप देख पाएंगे कि हमने आज यहाँ पे क्या किया। लेकिन ये फ्लावर जो है आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर है और इस पर अभी चार चांद लगने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा जो है इसमें बाकी है। तो चलिए कल हम इसको पूरा देखेंगे और बच्चे बनाएंगे वो भी हम देखेंगे। तो आज के लिए टाटा बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये सारा क्रेडिट जाता है नूतन खोरावा को, जो बच्चों को इतना सुंदर यहाँ पे इन्होंने सिखाया है। सो गाइज, अगर आप बच्चे को सिखाना चाहते हैं तो इनका जो है ज़रूर से आप इनको फ़ोन करें, इनका कॉन्टेक्ट करें, और बहुत सारी नई चीज़ें भी ये बच्चों को सिखाएंगे। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, और फिर से मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।